हाथों को उठा, बोलो सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं कि मैं आपकी हजूरी में हूं, जहां कोई डर नहीं, जहां कोई अंधेरा नहीं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर, आज जो कुछ भी आपका आत्मा यहां पे करे, मैं उसे स्वीकार करता हूं, मैं अपने आप को समर्पित करता हूं तेरे कामों के प्रति, तेरे वचनों के प्रति। मैं अपने दिल को खोलता हूं सर्वशक्तिमान परमेश्वर, मैं तैयार हूं आपके वचनों को ग्रहण करके 100 गुना फलों को लेके आने के लिए। मैं अंगीकार करता हूं आज से मेरी जिंदगी सेम न रहेगी। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं, आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची चर्च, मैंने कहा आमीन। ऊंचा आशीष, ऊंची। स्वागत है जीवित परमेश्वर की जीवित हजूरी में। हालेलुया। आप यहां से आज सेम वापस नहीं जा रहे हो। हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई, आज वो एक बदलाव को ग्रहण करेगी। मैंने कहा हर वो चीज जो आपके साथ जुड़ी हुई है, आज एक बदलाव को ग्रहण करेगी। जिन लोगों ने आपको छोटे लेवल पे देखा है, उनका नजरिया बदलने वाला है। मैं आपको यीशु मसीह के नाम में आशीषित घोषित करता हूं। अगर आमीन चाहिए आशीष आपकी चर्च। हालेलुया। स्वागत करो यीशु मसीह के नाम का, उसकी आत्मा का जोर से। हालेलुया। बैठ जाओ अपने शरीर में, बाइबल को उठाओ, अंगीकार करो मैं इस वचन से प्यार करता हूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। अपने हाथों को उठाओ दोनों को। आज मैं घोषित करता हूं इस वचन को सुनने के द्वारा, आपकी लाइफ के ऊपर इसको डिक्लेयर करने के द्वारा, आप उसके बाद कभी निराश न रहेंगे। और निराशा की आत्मा को मैं श्रापित करता हूं आपकी लाइफ से। हीन भावना की आत्मा को, निराशा की आत्मा को, हर कर्ज को, इस वचन को सुनने के बाद आपकी लाइफ, आपके बच्चों की, आपके माता पिता की, आपके घराने की कभी सेम न रहेगी। मैं घोषित करता हूं यीशु मसीह के नाम में, अगर आमीन ऊंचा तो यह अनॉइंटिंग आपकी है चर्च। एक बार जोर से बोलो हालेलुया। आज हम बात कर रहे हैं दूसरे हिस्से की। पिछले संडे हमने पहला हिस्सा सुना, थर्सडे हमने कुछ हिस्सा सुना, और आज हम फाइनल हिस्सा सुनेंगे। पहला हिस्सा था परमेश्वर की सेवा करनी। क्या करना है बोलो पड़ोसी को। इसका रीजन मैं बताता हूं, मैंने आपको क्यों कहा था ये, कुछ मैंने आपको पिछले हफ्ते बताया, एग्जैक्ट रीजन क्या है उसका मैं आज आपको बताऊंगा कि क्यों मैंने आपको बोला आपने सेवा करनी। आप जो सुनने जा रहे हो बड़े ध्यान से सुनना, एक क्रिश्चियन प्रोडक्ट है, एक मसीही वही बनता है जो वो डिक्लेयर करता है। इस बात को लिख के अपने दिल पे छाप लेना, एक मसीही वही कर सकता है जो वो घोषित कर सकता है। आप कल वही जा सकते हैं जो आप घोषित कर सकते हैं। अब ध्यान से सुनना, मैंने क्यों कहा आपको सेवा करनी जरूरी है, क्योंकि इस घोषणा को करने से पहले अगर आपका बेस राइट नहीं है, तो मेरा यह वचन सुनाने का कोई भी फायदा मुझे नहीं होता, क्योंकि यह वचन सिर्फ 10% लोगों के लाइफ में काम करता। परमेश्वर ने मुझे कहा, मैं आपको यह क्लियरली बताऊं, अगर आप अपनी लाइफ में घोषणा नहीं कर सकते, आप उस जगह पहुंच भी नहीं सकते। याद रखो, हम आत्मा के अनुसार चलाए जाएंगे, ना कि उन रीति रिवाजों के अनुसार जो हमारे बाप दादाओं से चलती आ रही, या उस समझ के अनुसार जो संसारिक है, या जो बुद्धिजीवी लोग बोलते। ऐसा मैंने क्यों कहा, इसका रीजन है, आप अपनी घोषणाओं से ऊपर कभी नहीं जा सकते।
आप चाहे लाख स्पिरिचुअल हो, आप प्रार्थना करने वाले हो, आप वचन पढ़ने वाले हो, आप पवित्रताई में रहने वाले हो, अपनी घोषणा से ऊपर आप कभी नहीं जा सकते। ये मेरी घोषणा थी बाय फेथ कि हम लाखों में यहां पे बैठे होंगे। ये मेरी घोषणा थी कि टीवी पे लोग मुझे देखेंगे लाखों में, और मैं अभी भी घोषणा कर रहा हूं वो करोड़ों देखेंगे। सुनो, घोषणा, डिक्लेरेशन। गोलियत ने कहा, आज तुम मुझे क्या कुत्ता समझता है कि लाठी लेके मेरे पास आया दाऊद? आ इधर, मैं तेरा शरीर चिथड़े चिथड़े कर दूंगा, तेरा खत्म कर दूंगा तुझको। लोग बोलते चुप रहो, छड्डो जी, आपा की कहना। दाऊद ने यह नहीं कहा, हां मैं अभी चुप रहूंगा, पहले मैं इसको मार लूं फिर मैं मुंह खोलूंगा। उसने पहले क्या खोला? उसने पहले मुंह खोला और बोला कि यहोवा के नाम में, जो यहोवा मुझे शेर और भालू से छुड़ाता आया, आज उसके नाम में मैं बोलता हूं, मैं तेरा ही सिर तेरी तलवार से, तेरे धड़ से अलग कर दूंगा। घोषणा। जब उसने घोषणा की, उस काम को करने की सामर्थ्य उसी टाइम दाऊद के अंदर एंटर कर चुकी थी। अब घोषणा करने के बाद उसका शरीर बदल चुका था, डर खत्म हो चुका था, डिवाइन ईश्वरीय स्ट्रेंथ आ चुकी थी, और गोलियत को ऐसे ऐसे मारने की बजाय लिखा वो सामने गया उसकी ओर, भागा और उसको मारा और उसके माथे पे लगा, एक ही पत्थर में चित हो गया। सुनो मेरी बात, वो गोलियत कैंसर हो सकता है, वो गोलियत बीमारी हो सकती, बांझपन हो सकता है, गरीबी हो सकती, लेकिन एक बात याद रखो, बिना घोषणा किए आपकी लाइफ से वो कभी नहीं जाए। मैंने क्यों कहा था मालूम आपको पिछले संडे, आपको सेवा करनी है, क्योंकि हर एक पॉजिटिव घोषणा जो बाइबल कहती है आपके लिए है, वो केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर की सेवा करना चाहते और परमेश्वर के साथ पूरी तरह से जुड़े हुए। जो सिर्फ इसलिए नहीं आए कि आज बड़ी मीटिंग है, अच्छा ऑयल मिल जाएगा, वो हर संडे प्रभु की हजूरी में खुदावंद के साथ पूरी तरह जुड़े हुए और पूरी तरह से परमेश्वर के साथ अटैच हैं, पवित्रताई में, प्रार्थना में, और कहीं ना कहीं खुदा की सेवा कर रहे हैं। क्योंकि सेवा करने के लिए आपको पुलपिट पे आने की जरूरत नहीं, आप कंप्यूटर मैन हैं, आप हफ्ते में 2 घंटे चर्च को दे सकते हैं, आप हफ्ते में 4 घंटे इवेंजलिज्म करने जा सकते हैं। सेवा करने का मतलब यह है कि जब आप सेवा में जाते, जैसे बाइबल में एक वचन लिखा, परमेश्वर ने कहा मैं तुमको बुखार से पीड़ित करूंगा, मैं तुमको टीबी से पीड़ित करूंगा, ये वचन है बाइबल में। अब ये घोषित कर सकते हो आप अपनी लाइफ के ऊपर, मैं तुम्हें छोटा कर दूंगा, तुच्छ कर दूंगा। ये वचन घोषित करने वाला नहीं है ना, कौन सा वचन घोषित करने वाला है फिर? ये कौन डिसाइड करेगा? आपकी मर्जी डिसाइड करेगी क्या कि ये वचन मुझे अच्छा लग रहा है, ये मैं घोषित करूंगा? ऐसा नहीं है, ये रॉन्ग चीज है। एक बंदा जो यहां पे बैठा हुआ और टाइथ नहीं देता और बोता नहीं है, वो ये वचन पौलुस का घोषित नहीं कर सकता कि मेरा परमेश्वर मेरी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करेगा। क्यों? क्योंकि पौलुस ने वो वचन उस कलीसिया को लिखा था जो बोने में बड़ी नंबर वन थी और जिसके बोने से बड़ी कलीसियाएं खुले थी, बड़े काम हुए थे खुदावंद। और इसीलिए मैंने कहा जब आप सेवा में जाओगे तब आप ना तो पैसा अपना रखोगे परमेश्वर से दूर, ना तो शरीर रखोगे, ना तो टाइम रखोगे, ना पाप अपनी लाइफ में रखोगे। जब आप सेवा में चले जाओगे तो बाइबल का हर वो वचन, चाहे वो यशाया में लिखा हो, चाहे नए नियम में लिखा हो, जो परमेश्वर ने पॉजिटिव बोला है, तब आप हकदार बनते हो उस वचन का अंगीकार करने के लिए। अगर एक बंदा व्यभिचार में फंसा हुआ है, वो परमेश्वर की सेवा नहीं कर रहा, वो अपने शरीर की सेवा कर रहा है, वो शैतान की सेवा कर रहा है। लिखा जब तुम वेश्या के साथ, किसी लड़की के साथ एक अंग हो जाते हो तो तुम उसी के साथ एक तन हो गए, सब कुछ खत्म हो गया, अब तुम परमेश्वर के साथ नहीं रहे। हालेलुया। अब तुम कैसे कह सकते हो मैं परमेश्वर की सेवा करता हूं? तुम तो परमेश्वर की सेवा नहीं करते, क्योंकि परमेश्वर की सेवा करने के लिए तुम्हें अपना तन, मन, धन, सब कुछ पवित्र करके परमेश्वर के सामने रखना पड़ेगा। और जब तुम सेवा में चले जाओगे तो बाइबल बताती है वो पॉजिटिव वर्ड जो बाइबल में लिखे गए, आप उन्हें समझोगे कि वो मेरे लिए लिखे गए और आप उन्हें क्लेम कर सकते हो और डिक्लेयर कर सकते हो।
आप जानते हैं, दूसरी बात मैंने अब क्यों कहा कि आपको अंगीकार करना जरूरी है, वीरवार मैंने बताया था कन्फेशंस एंड डिक्लेरेशन, यानी अंगीकार करना और घोषित करना। घोषित करना मैं आज आपको सिखा रहा हूं, वीरवार मैंने सिखाया था आपको अंगीकार करना जरूरी है। क्यों मालूम, क्यों अंगीकार करना जरूरी? मान लो एक विश्वासी है, वो वचन सुन रहा है। अगर मैं अकेला आपको यह बताता आज की घोषणा करनी है, अगर मैं आपको कन्फेशंस ना बताता, अगर सेवा करनी ना बताता, अकेला ये बताता अच्छा घोषणा करो रोज, ये बातें हो जाएंगी। अब वो घर में जा रहा है, घोषणा कर रहा है कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती जो मसीह, हाँ सब घोषणा है, उसके कोड़े खाने से मैं चंगा हो चुका हूं, जिस आत्मा को यीशु मसीह ने मुर्दों में से जी उठाया वो मुझ में अगर वास करता है, मेरे शरीर को जी उठाएगा, सब घोषणाएं कर रहा है। पर बाहर आके जैसे उसकी ताई पूछती है, ओए तू चर्च जाना है ना ताई, उन घोषणाओं का कोई फायदा नहीं। घोषणा एक ऐसी स्थिति आ चुकी है, एक ऐसा पॉइंट आ चुका है आपकी लाइफ की, ऐसी पोजीशन है जहां से आप घोषित करोगे कि मैं नंबर वन होने वाला हूं, तो आप नंबर वन होंगे। पर उस लाइन तक, उस पोजीशन तक पहुंचने से पहले यह पार करना जरूरी है। इसलिए मैंने कहा अंगीकार करना जरूरी। क्यों? जब आप अंगीकार करते हो कि परमेश्वर मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, और लिखा जब तुम मनुष्यों के सामने उसे मान लोगे, मुझे लोगों के सामने मेरा अंगीकार करोगे, मैं दूतों के सामने तुम्हारा अंगीकार करूंगा। सुनो इसका मतलब क्या, जब एक इंसान परमेश्वर का अंगीकार करता है, मान लो मैं 10 लोगों के सामने अंगीकार करता हूं, ओए यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, मैं चर्च जाता हूं, मैंने बपतिस्मा ले लिया, मैंने पाप छोड़ दिए, यीशु मसीह मेरा परमेश्वर है, अब आप परमेश्वर, आपका सिरदर्द परमेश्वर का सिरदर्द बन गया, आपकी गरीबी उसकी गरीबी बन गई, आपकी परेशानी, आपका ट्रबल, दिल की बेचैनी, आपका डिप्रेशन अब परमेश्वर का हो चुका। अब परमेश्वर को मालूम है, ये घोषित कर चुका शरेआम कि मैं इसका परमेश्वर हूं। जब आप घोषित कर चुके शरेआम, क्योंकि वो घोषणा अधूरी है जो आप बंद कमरों में करोगे और शरेआम परमेश्वर का इकरार नहीं करोगे, वो घोषणा नहीं, क्योंकि वो घोषणा आपकी ब्लॉक हो जाएगी जब दूत ये देखेगा कि बिना अंगीकार के घोषणा की गई किसी काम की नहीं। और जब बाहर अंगीकार होगा, आपके बॉस को आप बताएंगे मैं यीशु मसीह को मानता हूं, बहन जी कितने चल रहे, आप बता के आएंगे चर्च जा रहे हैं, आजकल तक कोरोना वायरस चल रहा, चिंता कोई नहीं, उत्थे खत्म हो जाना, हाँ आप बता के आओगे, आप भाई नहीं बोल के आओगे मैं काम चल रही है, भूआ वाल चल रही है, वांडे चले जिथे भी चले पंजाबी, हाँ क्योंकि जैसे ही आप अंगीकार, सुनो मेरी बात, अंगीकार जब मैं करता हूं या आप करते हैं, होता क्या है, हेवन आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाते हैं, आप स्वर्ग की जिम्मेदारी बन जाते हैं, आपने अंगीकार किया कि वो मेरा परमेश्वर है, आपकी लाइफ सेवा में और आपने अंगीकार किया, दो बातें हो गई। जब जकई ने अंगीकार किया, कहता परमेश्वर, एक असली अंगीकार वाला व्यक्ति उसकी निशानियां होती हैं, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं सफलता हर बंदा नहीं पा सकता और वहां तक नहीं पहुंचता। क्यों? क्योंकि बाइबल सिर्फ एक जादू और टोनों की पुस्तक नहीं कि आप एक वचन उठाओगे उसे 100 बार बोल लोगे तो आप ठीक हो जाओ, तो हम में और दूसरों में फिर कोई फर्क नहीं। ये एक रिलेशनशिप है खुदा के साथ, एक रिश्ता, एक नाता है, और वचन की नॉलेज पर निर्भर करते हैं। आप जैसे अंगीकार करते हो उसकी कुछ निशानियां होती। बाइबल कहती है जकई ने अंगीकार किया, लिखा वो चुंगी लेने वालों का सरदार था, पापियों का हेड था, वो टू मच रिच, बहुत अमीर इंसान था, और लिखा जैसे ही उसने यीशु मसीह का अंगीकार किया कि तू मेरा परमेश्वर है, उसने कहा मैं आधी प्रॉपर्टी कंगालों को देता हूं, अगर मैंने किसी से 10% ले लिया, मैंने 2.5 लेना था, 7.5% मैंने ज्यादा ले लिया, मैं उसे 30% वापिस करता हूं। सुनो मेरी बात, हर बंदा जो रियल अंगीकार में है और रियल उद्धार में है अपने पैसों को कभी परमेश्वर से पीछे नहीं रखेगा, यह उसकी निशानी होगी,
वो गरीब हो वो अमीर हो, उसकी निशानी होगी कि वो लोगों के सामने अंगीकार करेगा, छुपाएगा नहीं, ये उसकी निशानी होगी। वो पैसा नहीं रखेगा, ये उसकी निशानी होगी। वो अपने बच्चों को सेवा करने से नहीं रोकेगा, ये उसकी निशानी होगी। वो किसी वायरस से डर के चर्च मिस नहीं करेगा, ये उसकी निशानी होगी। यीशु मसीह ने कहा तू मेरे लिए प्राण खोएगा तू पाएगा। आज पता नहीं किस वायरस वाले बंदे से आपने हाथ मिलाना था, आप चर्च में आ चुके हो। आप समझ रहे मेरी बात को? अंगीकार करना। आज के बाद जब आप सुबह उठेंगे, आपका पहला काम होगा थैंक यू जीसस बोलना। आप समझ रहे हो? आपका पहला काम होगा ये बताना परमेश्वर को कि मैं तेरा थैंक्स करता हूं कि मैं स्वर्ग का अधिकारी हूं। और उसके बाद जो वचन आज मैं आपको बताऊंगा, आपको घोषित करने अपनी लाइफ के ऊपर। सुबह उठने के बाद सिर्फ 5 मिनट के लिए प्रेयर नहीं करनी, आपको वचन घोषित करने, डिक्लेयर करने अपनी लाइफ के ऊपर। उसके बाद जाओ, ब्रश करो, नाश्ता करने करो, उसके बाद पर्सनल प्रेयर में चले जाओ, नाश्ता करने से पहले चले जाओ। प्रार्थना पर्सनल एक अलग चीज है, पर घोषणाएं करनी ये एक अलग चीज है। आप मेरी बात समझ रहे हो? बिना घोषणाएं किए आप अपनी लाइफ में उस लेवल तक नहीं पहुंच पाओगे जहां तक आपको पहुंचना है। आप प्रोडक्ट हो अपनी घोषणाओं का। अगर आप घोषणा नहीं कर सकते पब्लिकली, आप पब्लिकली रिजल्ट भी नहीं ले सकते। आपको शर्माना नहीं, आपको घबराना नहीं, मैं घोषणा करूंगा अगर ना हुआ तो क्या हुआ, नो प्रॉब्लम। आज नहीं होगा, कल होगा, परसों होगा, वो होगा ही होगा। सुनो, यीशु मसीह ने एक आपको एग्जांपल दी बाइबल में। उसने कहा मेरा राज्य एक बीज के समान, जब जमीन में बोया जाएगा और बोने वाला रात को सोएगा, दिन को उठेगा और नहीं उसको मालूम होगा कि कब उसमें से अंकुर फूटे, कब उसमें से वो निकले, कब वो पेड़ बन गया। आप कर सकते हो ऐसा? आप जितना मर्जी चिंता कर लो बीज के पास बैठ के, आप उसको फुटा सकते हो? आपको वेट करना कि नहीं, प्रभु पे भरोसा रखना कि नहीं कि ऐसा होगा। आमीन। सेम डिक्लेरेशन में ऐसा है। आपको मालूम है एक चीज, मैं आपको बताता हूं, यीशु मसीह का इनकार कर दिया गया लोगों के द्वारा, उसको क्रूस पर चढ़ा दिया गया। हाँ, हुआ कि नहीं हुआ? आपने कहीं पढ़ा वो लोगों को कैंसर हो गया हो, लोग मर गए हो? नहीं सुना ना? यीशु मसीह के जाने के कुछ साल बाद एक राजा ने यरूशलम पर अटैक किया और उस खुदा के मंदिर को ढा दिया और सब लोगों को बंदी बना लिया। ये उनकी सजा थी यीशु मसीह का इनकार करने की। यीशु मसीह ने कहा मैं क्रोध करने में विलंब हूं। ऐसा बड़ा पॉसिबल है कि आज एक बंदा व्यभिचार करे और कल उसको कार मिल जाए, अच्छी नौकरी मिल जाए, ये पॉसिबल है। इसका मतलब ये नहीं खुदा आपके साथ। आपका वीजा लग जाए, आपको बिजनेस ब्लेसिंग मिल जाए, आप बोलोगे परमेश्वर तो मेरे साथ है? नो। 40 साल, 50 साल, 60 साल, 70 साल लग गए उन लोगों को सजा तक आते आते, लेकिन जब परमेश्वर देना शुरू करता है सजा, फिर ऊपर से लेके पैरों के तलवों तक तोबा तोबा बोलता है हर सेल बॉडी का। आप समझ रहे हो मेरी बात? उस टाइम उनको कुछ नहीं हुआ, इनकार कर दिया, क्रूस भिड़ा दिया, कुछ नहीं हुआ, पार्टियां चल रही हैं, सब तरफ मजे ही मजे चल रहे हैं, कुछ नहीं हुआ। लेकिन बाइबल कहती है कि यरूशलम के ऊपर यीशु मसीह ने कहा था पत्थर पे पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। काश यीशु मसीह ने कहा काश यरूशलम तू प्रॉफिट्स को ना मारता। मैंने चाहा जिस तरह मुर्गी पंखों के नीचे अपने बच्चों को संभालती मैं तुम्हें संभाल लूं, पर तुमने ना चाहा। और लिखा बहुत से सालों बाद उस जगह पे आक्रमण हुआ, पूरे का पूरा टेंपल नाश हो गया और लोग बंदी बना लिए गए और सब कुछ फिनिश हो गया और लोग बंधुआई में गए, दुखों के दिन शुरू हुए, मारे गए हजारों लाखों यहूदी। और इसीलिए पतरस कहता रहा उनको मन फिराओ क्योंकि परमेश्वर का राज्य नजदीक आ गया। तुमने यीशु मसीह का क्रूस पर चढ़ा दिया, अब मन फिरा लो। और लिखा लोग मन फिराते गए, फिराते गए, फिराते गए, जो रह गए वो टांग दिए गए। बाद यीशु मसीह का राज ऐसा नहीं है आज आप रात को
डिक्लेयर करोगे और कल आपके आपके आंगन में एक पैसों का पेड़ लगा होगा, ऐसा नहीं। जब आप घोषणा करोगे, आपने बीज बो दिया और वो 100% आएगा। मैं नहीं कह रहा हूं 99.9%, इसलिए जो कंडीशंस मैंने आपको बतानी थी मैंने संडे और थर्सडे बता दी आपको पहले ही। अगर उनको आप फॉलो करते हो, सेवा करते हो, अंगीकार करते हो, कुछ भी प्रभु के लिए रख नहीं छोड़ते, पाप में नहीं रहते हो, मैंने कहा जो आप बोलोगे, जो आप डिक्लेयर करोगे, वो एक बीज है आपकी लाइफ के लिए। परमेश्वर का राज्य काली वाला नहीं है, जल्दी वाला नहीं है, हुल्लड़बाजी वाला नहीं है, एकदम से। पाप का रिजल्ट भी एकदम से नहीं आता, कई बार पवित्रता का रिजल्ट भी एकदम से नहीं आता। यीशु मसीह का इनकार करने के सालों बाद लोगों को सजा मिली और परमेश्वर ने कहा मेरा राज्य एक बीज के समान है जिसे लेकर जमीन में बोया गया और वो रात को सोया और जागा और ना जाना कि कब वो बीज फूटा और फल लेके आया। आप जब डिक्लेयर करते हो अपनी लाइफ के ऊपर, सुनो मेरी बात, ये जो वायरस आया, ये जो मरी आई, ये कोई नई बात नहीं, मैं आपको पहले बता चुका हूं, अभी और आएंगे। कुछ सालों में पहले स्वाइन फ्लू आया था, सुनते ही लोगों की हड्डियां कांपती थी, तक 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 तक, स्वाइन फ्लू, मर जाएंगे, मर के मर के मर के मर के। हाँ, उसका अब नाम नहीं भी नहीं लेता कोई। चैन से जीना चाहते हो, अपना टीवी बंद कर दो, चैन से जियो। आपने जैसे टीवी खोला, हाँ जी, आपको अभी ब्रेकिंग न्यूज, कोरोना से भारत में दूसरी मौत। सुनो मेरी बात, सीरियस है चीजें, लेकिन डर क्यों डालना है इतना। आप रिपोर्ट पढ़ो, एक मैं आपको रिपोर्ट पढ़ाता हूं। अकॉर्डिंग टू नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम ऑफ द इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, ये इंडिया की बहुत बड़ी एक रिसर्च है, 1300 लोग रोज कैंसर से मरते हैं, एवरीडे, रोज इंडिया में। आज अगर आज आप वचन सुन रहे हैं, पूरे इंडिया में 1300 लोग मर रहे हैं कैंसर, मर जाएंगे आज कैंसर से, कल 1300 लोग मर चुके कैंसर से, और कोरोना से हुई भारत में दूसरी मौत। आप मेरी बात समझ रहे कि नहीं? टीबी की रिपोर्ट देखेंगे हम। इंडिया मस्ट फाइट टीबी हार्डर एज डिजीज क्लेम्स 1400 एवरी डे, 1400 लोग रोज मरते हैं टीबी से इंडिया में। आप टीबी से तो डरते नहीं हो, आप कैंसर से तो डरते नहीं हो। हाँ, देखो बीमारी की सीरियसनेस है, हमें सरकार का साथ देना है, हाथ धो, जो करना है करो, डरो मत, डर गए तो। एक और रिपोर्ट हम पढ़ेंगे हार्ट की, हार्ट डिजीज से 2016 में 28 लाख लोग मरे सिर्फ हार्ट डिजीज से। अगर मैं रोज आपको यह बात बताऊं, आपके अनुग्रह टीवी पे आप जैसे सुबह खोलो, आज 2000 बंदा मर गया हार्ट अटैक से, आप बोलोगे यार मेरे भी माड़ी माड़ी हुंदी है, चेक कर आई हूं। आप समझ रहे कि नहीं? 28 लाख कितने एक साल में, 20,000 रोज एवरेज लगा लो, 20,000 से भी ज्यादा, रोज के 700 लोग मरते हैं रोज के, किससे? हार्ट अटैक से। अगर मैं रोज आपको ये बात बताऊं सुबह उठ के कि भाई आज 700 बंदा मर गया हार्ट अटैक, और आपके दिल में डाल दूं कि हार्ट अटैक बड़ी तगड़ी बीमारी है, आपको नहीं भी होना होगा, हो जाएगा, क्योंकि आप समझ रहे मेरी बात, कोरोना वायरस जो है वो इम्यूनिटी प्रॉब्लम है। लोगों को छोले भटूरे ज्यादा खाने की आदत है, फल फ्रूट खाने की आदत नहीं, एक्सरसाइज करने की आदत नहीं, मोबाइल पे ज्यादा रहते हैं, मोबाइल पे ज्यादा रहोगे आपकी इम्यूनिटी लो होगी, छोटे से छोटा वायरस भी ऐसा बन जाएगा। ये वायरस क्या पहले नहीं थे? थे। अब अटैक ज्यादा क्यों कर रहे हैं? आपकी इम्यूनिटी लो है, आप सब कुछ प्रभु पे छोड़ना चाहते हो। डरो मत, जो प्रिकॉशंस है उसे लो, कौन मना करता है? हाथ धो, कौन मना करता है? फ्रूट्स खाओ, कौन मना करता है? कोई मना नहीं करता, लेकिन डरना मना है हमारी लाइफ में। डरना क्या है? मना है। हाँ या ना? रोज 1300, 1200, रोज 1400 लोग मर रहे टीबी से,
आप उससे तो डरते नहीं, लेकिन कोरोना से आज भारत में दूसरी मौत वो आपको डरा चुकी है। आपको आप हाथ शेक करने में घबरा रहे हो, कोई करे नाले पचन सहिता कान में, अब क्यों डर लग रहा है? आप डर चुके हो, डरना नहीं। हालेलुया, डरना नहीं। और ये आज निकला वायरस, हम रोज प्रेयर करते हैं भजन संहिता 91 से, एवरी डे। मेरी पर्सनल प्रेयर में एक भजन संहिता 91 है, मेरी पर्सनल जो मैं अपने लिए करता हूं, उसको पढ़ेंगे। चलो मैं आपको पढ़ के बताता हूं, भजन संहिता 91 उसकी एक आयत। इसमें कंडीशन है, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे, यानी पक्का विश्वासी हो, बैप्टिज्म लिया हुआ, नशे छोड़ा हुआ, पूरी तरह से प्रभु का साथ पाया हुआ, कहता वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। मैं यहोवा के विषय कहूंगा, वो मेरा शरण स्थान है, मेरा गढ़ है। गढ़ यानी एक ऐसा स्थान जहां पे एनिमी अंदर आसानी से नहीं घुस सकता। हालेलुया, वह मेरा परमेश्वर है, मैं उस पर भरोसा रखूंगा। वो तुझे बहेलिए के जाल से और महामारी से बचाएगा, तुझे फेक एजेंट से बचाएगा। हाँ, बहेलिया दाना दिखा के तुझे फंसा लेगा, कहता तू बच जाएगा उससे। वह तुझे अपने पंखों की आड़ में ले लेगा, तू उसके परों के नीचे शरण पाएगा। उसकी सच्चाई तेरे लिए ढाल और झिलम ठहरेगी। तू ना रात के भय से डरेगा, ना उस तीर से जो दिन को उड़ता है, ना उस मरी से जो अंधेरे में फैलती है, ना उस महारोग से जो दिन दुपहरी में उजाड़ता है। कैंसर ने दिन दुपहरी लोग उजाड़ दिए, टीबी ने उजाड़ दिए, एड्स ने उजाड़ दिए, कोरोना ने लोगों को उजाड़ दिया। कहता ना उस महारोग से जो दिन दुपहरी में तेरे निकट नहीं आएगा। कहता तेरे निकट 1,000 तेरी दाहिनी और 10,000 गिरेंगे, परंतु वह तेरे पास ना आएगा। जब आप युद्ध में जाते थे लोग, तो तीर आते थे तीर हजारों की गिनती में। कहता तेरे निकट 1,000 गिरेंगे, तेरे दाहिनी 10,000 गिरेंगे तीर, पर एक तीर भी तेरे पास ना आएगा। तेरे इधर 10,000 मरेंगे, इधर 1,000 मरते होंगे, पर वो तेरे पास नहीं आएगा। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, जाके फिरौन को बोल दे कि तेरे पूरे घराने, तेरे पूरे देश के ऊपर अंधेरा छाया रहेगा, और मेरे इज़राइलियों पर कोई कुत्ता भी भाव नहीं करेगा, कुत्ता भी भौंकेगा नहीं, लेकिन तेरे देश के ऊपर मरियां आएंगी। बाइबल कहती, परमेश्वर ने कहा, अगर तुम मेरी सेवा करो, मेरे नाम का भय मानो, बुराई से अलग रहो, तो जितने रोग और विपत्तियां मैंने मिस्रियों के ऊपर भेजी थी, जितने प्लेग महामारियां उनके ऊपर आई थी, तुम्हारे ऊपर एक भी नहीं आएगी। रोज सुबह उठ के बोलना है, कोई महारोग मेरा हिस्सा नहीं, कोई महामारी मेरा हिस्सा नहीं, मेरे परिवार का हिस्सा नहीं। रोज डिक्लेयर करना, आज डिक्लेयर करने का दिन है यीशु मसीह के नाम में। आप एवरीडे डिक्लेयर करेंगे, रोज सुबह उठ के जो वचन मैं आपको बता रहा हूं, या आपने लिखने और नोट करने। हालेलुया, ये प्रेयर नहीं है, ये वॉर डिक्लेरेशन है, ये लड़ाई है घोषणा की। सुबह उठते और रात को सोते आप ये दो चीजें करेंगे। आपने रात की प्रार्थना कर ली 2 घंटे, सोने से पहले, आंखें बंद करने से पहले आप कुछ वचन डिक्लेयर करोगे अपनी लाइफ के ऊपर, आप देखना क्या होता है। मैं आपको सच कह रहा हूं, 1% भी आपको फील ना हो कि मैं जो बोल रहा हूं इसका असर होगा कि नहीं होगा, 1% भी आपको फील नहीं होगा कि इसका असर होगा, पर उसका असर होगा, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बीज के समान है, जो फील तो नहीं होता, फल लेके आएगा, पर वो आएगा जरूर। मैंने कहा वो आएगा जरूर। आपके बिजनेस फल लाते हुए मैं देख रहा हूं, आपकी जॉब्स, आपकी फैमिली, आपके बच्चे, आपका फाइनेंस, आपकी सेहत को इन द माइटी नेम ऑफ जीसस में फल लाते हुए देख रहा हूं। मैंने कहा तैयार हो जाओ, यीशु मसीह का हाथ में कहता फल लाने के लिए। ओ आमीन ऊंची चर्च। हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया, फिर से बोलो जोर से, आंख हाथों को उठा के हालेलुया, आमीन आमीन। आप तैयार है क्या? आप रोज वचन डिक्लेयर करेंगे। प्रार्थना करना एक अलग चीज है, और वचन डिक्लेयर करना उठते सार और सोते सार, आप ये दो काम करेंगे एवरी डे। आपको 6 महीने 1% फर्क ना लगे, 7वें महीने आप 100% चेंज होंगे। मैं आपको सच कह रहा हूं, गिव अप मत करना, क्विट मत करना, सिर्फ आंखों से देख के या महसूस करके, क्योंकि परमेश्वर का राज्य बीज के समान है, जो महसूस नहीं होता,
अगर आज मैं आपको बता दूं कि ये छोटा सा बीज वो ऐसा पेड़ बन जाएगा बड़ा सा, आप मान जाओगे? आप बोलोगे नहीं। अगर एक बच्चे को बोल दूं जिसने अभी कुछ नहीं देखा कि ये वाला जो बीज है ना, ये वो पेड़ है, बोलेगा नहीं गलत बोल रहे हो। उसी तरह आप बच्चे हो स्पिरिट में, लेकिन जो आत्मा के बड़े हो चुके हैं, बुजुर्ग हो चुके हैं, वो जानते हैं कि ये बीज नहीं, ये वो पेड़ है। बस मुझे धैर्य रखना है, पानी टाइम पे देना है, इसकी केयर करनी और धैर्य रखना है, ये उस वही पेड़ बनने वाला है। अगर उस पेड़ को बड़ा होने तक पंगे लोगे, पाप में जाओगे, खुदा को परखोगे, कुड़कुड़ाओगे, तो आपकी गलती आप खुद भुगतोगे। परमेश्वर ने कहा जो चीजें आप घोषित नहीं कर सकते आप उसे पा भी नहीं सकते। आपको घोषणा करनी है सुबह। आप जब बाइबल पढ़ते हो आपको एक ऐसा वचन मिलता है जो आपके लिए, आप उसे साइट पे लिख लो, मोबाइल पे लिख लो, साइट पे कॉपी पे लिख लो। जैसे ही रात को सोने लगोगे आप वो वचन पढ़ोगे, डिक्लेयर करोगे और सो जाओगे। सुबह उठोगे डिक्लेयर करोगे, उसके बाद कोई काम करोगे। पर्सनल प्रार्थना भी उसके बाद शुरू करोगे। पहले वो 10 12 15 वचन जितने आपको लगता है मुझे घोषित करने हैं मेरी लाइफ के मुताबिक, केसेस के मुताबिक आपको वो करने हैं। हालेलुया। कितने मेरी बात को समझ रहे हैं? आप ब्लेस्ड हो। आमीन। ऊंचा चाहिए, मैंने कहा आप ब्लेस्ड हो। हालेलुया। हम जगत की ज्योति, हम जगत के नमक हैं, हम अपनी घोषणाओं का प्रोडक्ट है, हम अपनी घोषणाओं का फल है। आप जानते क्रिश्चियन लोगों की घोषणाएं क्या है? आया दुष्ट आत्मा 20 साल तो जा नहीं रही, ये उनकी घोषणा है। इमेजिन करो उनकी घोषणा कैसी है। हाय जादू टूना कर जंदे ने लोग साडे ते ता ही नहीं साडा विआह हुंदा, ये उनकी घोषणा देखो। और अपनी घोषणाओं के तुम क्या हो? फल। तुम अपनी घोषणाओं के क्या हो? बोलो पड़ोसी को, तुम अपनी घोषणाओं के फल हो। बोलो तुम अपनी घोषणाओं के फल हो। बोलो तुम अपनी घोषणाओं के प्रोडक्ट हो। बोलो तुम्हारी घोषणा तुम्हारा फ्यूचर निर्धारित करेगी। हमारी घोषणा क्या है? हाय दुष्ट आत्मा नहीं जा रही, बहुत बड़ी है, पापे ने छड़ी सी। ये घोषणा है हमारी क्रिश्चियन लोगों की। 10 साल हो गए चर्च आते, घोषणा देखो। और अगर आपकी घोषणा रॉन्ग है, यीशु मसीह भी आपको बचा नहीं सकते। मालूम है? पता है क्यों नहीं बचा सकते? यहां पे देखो लुका 10 उसकी 17-19। वो 70 आनंद से कहने लगे, हे प्रभु तेरे नाम से दुष्ट आत्माएं भी हमारे वश में। उसने उनसे कहा, मैं शैतान को बिजली की नाई स्वर्ग से गिरा हुआ देख रहा था, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार दिया, किसी वस्तु से तुम्हें कुछ भी नुकसान नहीं। ये यीशु मसीह कहता है ये तुम्हारे लिए क्या है? घोषणा। पर तुम्हारी घोषणा क्या है इस वचन के खिलाफ? अगर यीशु मसीह के खिलाफ घोषणा करोगे तो वो बचाने कैसे आएगा? कैसे आएगा बचाने? आप यीशु मसीह को कहते हैं नहीं जो तू कह रहा है मुझे यकीन नहीं, मुझे अपनी फीलिंग पे यकीन है कि जो मैं फील कर रही हूं। और अगर फील करोगे तो शैतान आपको धोखा देगा, क्योंकि आदम हवा भी फीलिंग से धोखा खाए थे। एक गिनती का वचन हम पढ़ेंगे अभी, निश्चय गिनती 23:23, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, इज़राइल पर कोई भावी कहना अर्थ नहीं रखता। याकूब और इज़राइल के विषय यह कहा जाएगा ईश्वर ने क्या ही विचित्र काम किया है। कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, यह किसकी आवाज है? परमेश्वर। अगर कोई दुष्ट आत्मा से घिरा हुआ है वो रात को सोने से पहले बोलेगा कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता। आपको मालूम याकूब कौन है? आप याकूब हो, क्योंकि याकूब अब्राहम की संतान है। आप कौन हो? अब्राहम की संतान। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह अब्राहम के कुल से पैदा हुए ताकि आप भी अब्राहम के कुल के साथ जुड़ के आशीष ले सके।
पर आज अगर मैं अभी खड़ा कर दूं कि चलो आओ दुष्ट आत्माओं के लिए प्रार्थना करेंगे, क्रिश्चियन लोग खड़े हो जाए, पता है क्यों? वो धोखे में। पढ़ेंगे इसको, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, नहीं चल सकता, मतलब ये एक 100% वायदा है खुदा का कि ये काम तेरी लाइफ पर नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। अगर कोई दुष्ट आत्मा से ग्रसित है यीशु मसीह को मानने के बाद भी, वो रात को सोने से पहले बोलेगा, कोई मंत्र याकूब पर नहीं चल सकता, कोई मंत्र मुझ पे नहीं चल सकता, देखो दुष्ट आत्मा मेरे वश में, किसी चीज से मुझे नुकसान नहीं होगा। वो रोज बोल के सोएगा, मेरी मैरिज लाइफ पे इसका नुकसान नहीं होगा, मेरे शरीर पर इसका नुकसान नहीं होगा, अगर सिर दर्द कर रहे हैं मेरे सिर पे इसका कोई नुकसान नहीं होगा। शैतान सिर दर्द को बढ़ा दे चाहे, पर वो 2-4 दिन बढ़ा सकता है, उसके बाद उसे जाना पड़ेगा। लेकिन हमारी घोषणा क्या है? आप जानते हैं, कुछ लोग अच्छे होने के बावजूद बिजनेस में कभी कामयाब नहीं हुए। अगर उनका बिजनेस सही भी चल रहा हो, पूछो कैसे चल रहा है, ठीक है यार इन्ना वधिया निका, ताकि कोई पैसे ना मांग लवे, मम्मी उधार ना मांग लवे, क्या ही ना देवे काका चीज लाया, इस चक्कर में अपने मुंह से गलत घोषणा करते। और जब घोषणा गलत हो जाएगी तो आप अपनी घोषणाओं के फल हो। गलत करोगे गलत रिजल्ट, सही करोगे सही रिजल्ट। लिखा, कोई मंत्र, कोई जादू, कोई टोना याकूब पर चल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। देखो, कहता कैसे देखो, कहता अपनी स्पिरिचुअल आईज से, चाचा चाचा का मतलब देखना, अपनी स्पिरिचुअल आईज से, अपने इनर मैन से, अंदर वाले बंदे से, अंदर वाली आत्मा से देखो, मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार दिया। आज जूती पकड़ लेना घर जाके और जूती वाली प्रार्थना करना शैतान के ऊपर। हम करते थे ऐसा, जूती वाली प्रेयर, जूती लेके शैतान के ऊपर प्रेयर, उसको शर्मिंदा करने के लिए। कहता कोई मंत्र याकूब पे चल नहीं सकता। पर अगर आप इस घोषणा से वाकिफ नहीं है तो मंत्र चलेगा, क्योंकि आपको मालूम ही नहीं आपका अधिकार क्या है। शैतान आएगा, मंत्र मारेगा आप पे, आपका सिरदर्द शुरू होगा, आप कुछ नहीं बोलोगे, वो बैठा रहेगा, उसको मालूम है ये बंदा आत्मिक अनपढ़ है, इसको कुछ नहीं मालूम, इसको हराया जा सकता है। और जैसे आपको मालूम होगा बाइबल क्या कहती है, फिर से पढ़ेंगे लूकास 10:17-19, वो 70 आनंद से कहने लगे, तेरे नाम से दुष्ट आत्मा हमारे वश में। 19 शायद सीधा पढ़ेंगे, देखो मैंने तुम्हें सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का, बचने का कि रोंदने का। देखो बचना होता है कि आप गली में गए, कुत्ते से बचे, भागे, आइए ये करके घर चढ़ गए, ये होता है बचना। रोंदना होता है सोटी पकड़ी और मारी उसको और रोंद दिया। परमेश्वर कहता है मैं रोंदने का अधिकार देता हूं, सांपों और बिच्छुओं को रोंदने का अधिकार देता हूं, और शत्रु की सारी सामर्थ पर अधिकार देता हूं, आधी अधूरी के सारी। अगर वो घर में 10 तरह की प्रॉब्लम्स लेके आया है, सिर दर्द है, मैरिज नहीं हो रही, फाइनेंस प्रॉब्लम है, तो सारी जाएंगी कि 9 जाएंगी? अब प्रॉब्लम ये है, मुझे अंगीकार करना है रोज सुबह उठ के, रोज शाम सोते वक्त, कि उसने मुझे शत्रु की सारी सामर्थ पे अधिकार दिया, किसी वस्तु से मुझे कुछ भी हानि नहीं होगी, मेरे बच्चों को नुकसान नहीं होगा, मेरे फाइनेंस को नुकसान नहीं होगा। आप मेरी बात समझ रहे हो क्या? और ये वर्ड्स होंगे जो आपको बनाएंगे, ये वो वर्ड्स होंगे जो एक बीज आपकी लाइफ पर रिलीज कर देंगे, और इन्हीं शब्दों का फल आप खाने वाले हो, होली स्पिरिट कह रहा है मुझको, मैं आपको प्रोफेसी दे रहा हूं, मैंने कहा इन शब्दों का फल आप खाने वाले हो। आप मेरी बात को समझ रहे हो कि नहीं? आप इन्हीं शब्दों के फल खाओगे, होली स्पिरिट मुझसे कह रहा है क्लियरली आप लोगों के लिए, आमीन। आप रात को सो रहे हो, आपको मालूम है आपकी लाइफ में ये गलत काम चल रहा है, आपकी लाइफ में कोई आपको धोखा दे रहा है, आपकी लाइफ में कोई आपको हरास कर रहा है, आपकी गलत बात कर रहा है बिना किसी बात के। हम रोमियो 8:28 को पढ़ेंगे,
हम जानते हैं कि जो लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं, इसका मैं पहले आपको बता चुका हूं, प्रेम करने का मतलब उसकी सेवा करना, हाँ, और उनके लिए सब बातें मिलकर भलाई को उत्पन्न करती हैं, अर्थात उन्हीं के लिए जो उसकी इच्छा के अनुसार बुलाए गए। आप जानते नहीं जिस पेन से आप गुजर रहे हो, और वचन जब आप डिक्लेयर करोगे, घोषित करोगे कि जो उससे प्रेम करते हैं उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, उसके लिए सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती हैं, आप देखो क्या होते हैं, वंडर होंगे आपके लाइफ। जब दंगे हुए थे 2007-8-9 में शायद, तो हमारा गडाउन जला दिया था किसी ने, भरा गडाउन। उस टाइम मेरा काम बिजनेस पीक पे था, इसी गांव के लोगों ने, तब चर्च बहुत छोटी होती थी, 50 लोग होते थे, और किसी को मैंने जेल नहीं करवाई, किसी पे पर्चा नहीं करवाया, क्योंकि होली स्पिरिट ने मुझे बोला था कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करेंगे। सुनो मेरी बात, तब काम ऐसा था कि 60,000-70,000-60,000 कमाई थी रोज की, सेल नहीं, कमाई। और उस टाइम वो काम डाउन होना शुरू हुआ, अगर वो डाउन ना होता तो मेरी फैमिली मुझे हमेशा खींचती अपनी ओर। आज मेरे फादर इस मिनिस्ट्री में, ये पॉसिबल नहीं था अगर वो घटना ना होती। लोग मेरे पास आए, हाय पास्टर जी बहुत माड़ा होया, मुझसे ज्यादा दुख उनको लग रहा था। मैंने कहा बाइबल क्या कहती, सब बातें मिलकर, और ये मेरे लिए हथियार है अगर मैं इस्तेमाल करूं तो। ये सेवा जो दिखती है ना, उसके पीछे आपको मालूम नहीं हुआ क्या, वो लोग जो आज सेवा में इस्तेमाल हो रहे हैं, जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स में इस्तेमाल हो रहे हैं, जिन लोगों से वो प्यार करते थे उनकी डेथ हो गई, दाढ़ियां बढ़ा ली, पागल हो गए, नाई पूछते थे क्या हो गया ये आपको, मेंटली अपसेट तो नहीं हो गए, घर वाले से पूछते पागल तो नहीं हो गए, अटैक हुआ क्या, लोग बोलते गए, ये लोग गए, खत्म हो गए अब। और मुझे मालूम था कि सब बातें मिलकर, और वही लोग आज इस्तेमाल हुए। आप समझ रहे हैं मेरी बात, कुछ भी जो आपकी लाइफ में होगा अगर आप प्रभु से प्यार करते हो, वो भलाई में बदलेगा। आज आपको दुख लग रहा होगा, लेकिन अगर वो दुख ना होता, आज बहुत चीजें जो मिनिस्ट्री में हो रही वो कभी ना होती। लेकिन जब मैं मनन करूंगा और अंगीकार करूंगा रात को सोने से पहले कि सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती, ये आपको ताकत देगा आपके ट्रबल में, आपकी मुश्किल में, सताव में, घेराव में, बीमारी में, आपको खड़े रहने की। और आपने बीज बो दिए, आप पेड़ देखोगे, 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 फाइनेंस में, हीलिंग में, डिलीवरेंस में, इन द नेम ऑफ जीसस क्राइस्ट। आमीन हो चाहिए आशीष आपकी। हालेलुया, हालेलुया। सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करती है, ये मेरा रेमा वर्ड था उन दिनों में, जब मैं बुझे हुए दिल के साथ और अंदर खून के आंसुओं के साथ आग बुझा रहा था, जब कोई फायर ब्रिगेड भी नहीं आई थी, और एक एक वॉश बेसन उस टाइम जो हमारे पास जो था उसपे क्लस्टर्स होते थे, यानी उसपे कुछ सोने के काम होते थे, महंगे महंगे जो हजारों रुपए के होते थे, वो 500-700 वाला नहीं, हजारों रुपए का एक एक पीस, और उस टाइम काम पीक पे था और सामने ढेर लगा हुआ था, सब जल गया था और कोई फायर ब्रिगेड नहीं आई थी। हालेलुया। आप प्रभु पे भरोसा रखोगे ना, वो आपको ग्रेट कर देगा, वो आपको यहां खड़ा करेगा जहां कोई नहीं हो सकता। आप अपनी घोषणाओं के क्या हो, फल हो। आप घोषणा करोगे ये दुष्ट आत्मा मेरे अंदर है, ये दुष्ट आत्मा के कारण ऐसा है, एट एडबिट दुष्ट आत्मा, आपने घोषणा कर दी, अब कोई कुछ नहीं कर सकता आप लोगों के लिए। परमेश्वर ने कहा अगर कोई अपने मुंह को काम में लाना जानेगा वो इसका फल पाएगा। उसने कहा मैंने तुम्हें अपनी समानता में बनाया, अगर मैं कह सकता हूं उजाला हो जाए और उजाला हो गया, तो अगर तुम कह सकते हो तो तुम ले सकते हो। थर्सडे मैंने बताया ऐसे ग्रह हैं जिन पे हीरों की बारिश होती है। आप सोच लो हमारे 10-20 रुपए क्या करेंगे उसके साथ, वो हमारा दिल है जब हम खुदा के सामने अर्पण करते हैं। हालेलुया। एक ऐसा
प्लेनेट खोजा गया बहुत दूर जो पूरा हीरे का है, वो इतने का बिकेगा कि धरती के सब पहाड़ $100 के नीचे समा जाएंगे, समुंदर समा जाएंगे, पैसा खत्म नहीं होगा। वो इतना अमीर परमेश्वर है। सोचो वो क्या कर सकता है, सोचो सोचो क्या सोचो। मैं कई बार बैठता हूं, जब कोई प्रेयर नहीं करता हूं, कोई डिक्लेरेशन, बैठ के सिर्फ 4 घंटे मैं स्वर्ग के बारे में सोचता हूं, आयो कैसा होगा। हाँ, 4 घंटे आप सोच सकते हो, सिर्फ 4 घंटे। और मैं 1 घंटे में, मुझे क्या लिखा है बाइबल में, बाइबल कहती है स्वर्ग में कोठियां बनी होंगी, असली वाली, नकली कोठी नहीं, जैसे आत्मिक नहीं, असली वाली, असली फ्रूट्स होंगे, असली सोने की सड़कें होंगी। अब मालूम आपको, आप उसे मिस नहीं कर सकते हो। हालेलुया। असली घर आपके लेवल के हिसाब से मिलेंगे, जिसने जैसा किया उसको वैसा वहां भी मिलेगा। मेरा तो तैयार हो रहा है बंगला, मैं तो रोज घोषित करता हूं कि मुझे छोटा नहीं चाहिए। हालेलुया। तो घोषित करने के लिए तैयार रहो। आमीन। हम घोषणाओं के क्या हैं, फल। बाइबल क्या कहती, बोलो अपने पड़ोसी को, हम घोषणाओं के क्या हैं, फल हैं। सब वचन देखेंगे एक एक करके हम अभी, सब घोषित करने वाले वचन। जो मेरे धर्म से प्रसन्न रहते हैं वो जय जयकार और आनंद करें, निरंतर कहते रहें यहोवा की बड़ाई हो, जो अपने दास के कुशल से प्रसन्न होता है। अगर आप उसकी सेवा में, तो आप उसके क्या हो, क्या हो आप उसके, वो आपके कुशल से क्या है, वो आपके कुशल से क्या है। तो रात को आपका अंगीकार क्या होना चाहिए, तू मेरे कुशल से क्या है, प्रसन्न है। और ऐसा ही होगा आपके साथ। अगला वचन पढ़ेंगे हम, इस जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, यशाया चुरिंजा उसकी 17 आयत, उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। जितने लोग तुझ पर मुद्दई होकर नालिश करें, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा की यही वाणी है कि यहोवा के दासों का यही भाग होगा, वो मेरे ही कारण धर्मी ठहरेंगे। और यहोवा की ये वाणी है, सब बोलो आमीन। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाए, उनमें से कोई भी सफल, जितने लोग तुझ पर नालिश करेंगे सबों से तू, और यहोवा के दासों का यही भाग होगा। रात को अंगीकार करना कि जितने हथियार मेरी हानि के लिए बनाए गए, एक भी सफल नहीं होगा। जितने लोग मेरी हानि के लिए सोच रहे हैं, एक भी सफल नहीं होगा, एक भी जन जीतेगा नहीं, आप हमेशा जीतेंगे। और लिखा तू सबों से जीत जाएगा, चाहे वो 1,000 क्यों ना हो। इसके आगे पढ़ेंगे अगला वचन, तब पश्चिम की ओर लोग यहोवा के नाम का, पूरब की ओर उसकी महिमा का भय मानेंगे, जब शत्रु महानद की नई चढ़ाई करेंगे। यानी महानद मतलब जब सुनामी आ जाएगी शत्रु की, आप बोलेगा डूब गए मर गए, तो परमेश्वर ने कहा यहोवा का आत्मा उनके विरुद्ध झंडा खड़ा करेगा। आपका डिक्लेयर होना चाहिए रात को सोने से सुबह उठने के बाद, कि चाहे शत्रु महानद की नई आए, सुनामी की तरह आए, बाढ़ की तरह आए, यहोवा का आत्मा उसके खिलाफ झंडा खड़ा करेगा। ये घोषित करने वाले वचन जो मैं आपको बता रहा हूं, आप जब रोज सुबह और रोज रात को इसे घोषित करेंगे, आप देखो क्या होता है। मैं आपको चैलेंज कर रहा हूं। आगे बढ़ेंगे अगला वचन, उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश आ गया और यहोवा का तेज तेरे ऊपर प्रकट हुआ। ये पर्सनल वर्ड है, इसे हर बंदा घोषित नहीं कर सकता। वो जो परमेश्वर की खोज में लगा हुआ है और सब कुछ प्रभु को दे बैठे, वो इस वचन को रोज घोषित कर सकते हैं। उठ प्रकाशमान हो, क्योंकि तेरा प्रकाश, बोलो फिर से, उठ प्रकाशमान हो, तेरा प्रकाश और यहोवा का तेज तेरे ऊपर उदय हुआ है। इसके आगे लिखा, जो राजा है तेरे आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे, पृथ्वी के बड़े लोग उठकर तुझे दंडवत करेंगे। अगर आप घोषित कर सकते हो, खुदाबंद कर सकता है, बड़े लोग आपको दंडवत करेंगे, राजा आपके आरोहण के प्रताप के लिए आएंगे, लोग राजा लोग आपका दर्शन करना चाहेंगे, आपके मोहल्ले का काउंसलर आपको मिलना चाहेगा, एमएलए आपको मिलना चाहेगा। ये हो सकता है, ये पॉसिबल है, वेरी वेरी पॉसिबल, अगर ये वर्ड डिक्लेयर किए जाए तो। अगला वचन पढ़ेंगे, छोटे से छोटा 1,000 हो जाएगा, सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा, मैं यहोवा हूं, ठीक समय पर ये सब कुछ मैं शीघ्रता से पूरा करूंगा।
यशाया 60 उसकी 22 आयत, छोटे से छोटा 1000 हो जाए। हाँ, आगे क्या लिखा, और सबसे दुर्बल एक सामर्थी जाति बन जाएगा। अगर आप सबसे दुर्बल हो, आप में से जातियां निकलेंगी, आपका सीड, आपके बच्चे, आपके पड़पोते, आपके रिश्तेदार, ये सामर्थी जाति बन जाए। यीशु मसीह आज का नहीं, वो कल का भी परमेश्वर है। आप जानते हो क्यों कहते मैं अब्राहम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर हूं? बताइए क्यों? क्योंकि परमेश्वर कहता है मैं जीवतों का परमेश्वर। अब्राहम, इसहाक, याकूब इस समय स्वर्ग में, क्योंकि वो परमेश्वर के साथ उसकी आज्ञा के अंदर मरे और स्वर्ग के अधिकारी हुए। परमेश्वर ने कहा मैं मुर्दों का नहीं, मैं जीवतों का परमेश्वर हूं। हालेलुया, वो जीवित लोगों का परमेश्वर है। अगर आप आत्मा में जीवित हैं, ये वचन आप लोगों के लिए है। पढ़ेंगे इसको फिर से कि छोटे से छोटा एक हजार हो जाएगा और सबसे दुर्बल। अब सोच लो हमारे में सबसे दुर्बल कौन है, सबसे गरीब, छोटा, सबसे कमजोर। कहता तू सबसे बलवान होगा, तू सामर्थी जाति बन जाएगा, सामर्थी जाति। क्या यह वचन डिक्लेयर करने वाला नहीं है? आप रोज घोषित करोगे। आप सबसे छोटे हो तो यह वचन आप लोगों के लिए है, आप टूटे हो तो यह आप लोगों के लिए है। और आप देखोगे कैसे परमेश्वर आपको तैयार करता है, कैसे आपके अंदर से जीवन जल की नदियां बहती हैं। अगला वचन पढ़ेंगे, आकाश के पक्षियों को देखो, मत्ती 6:26, वो ना बोते ना काटते ना खत्तों में बटोरते तो भी तुम्हारा स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, क्या तुम उनसे अधिक मूल्य नहीं रखते। ये घोषित करूंगा वचन कि आकाश के पक्षी ना बोते ना काटते ना खत्तों में बटोरते ना स्टोर्स में रखते, फिर भी स्वर्गीय पिता उनको खिलाता है, मुझे किसी अच्छी चीज की कमी नहीं होगी। वो मुझसे ज्यादा प्यार करता है, किसी अच्छी चीज की कमी मुझको नहीं होगी, मैं उनसे अधिक मूल्य रखता हूं। ये रोज का मेरा अंगीकार होगा। वो देखना आपको कैसे खिलाएगा। लिखा, उसने कहा तू अपना मुंह खोल, मैं इसे भर दूंगा। ओ आमीन, छोटा है। अगला वचन पढ़ेंगे, क्योंकि परमेश्वर ने हमें भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी है। तो कोरोना से डरना है क्या, कैंसर से, हार्ट अटैक से? उसने कहा मैंने तुम्हें भय की आत्मा नहीं दी। अगर किसी के अंदर डर की आत्मा है, डर उसे सता रहा है मेरी किडनी फेल ना हो जाए, मुझे कैंसर ना हो जाए, मैं गरीब ना हो जाऊं, मेरा बिजनेस फेल ना हो जाए, ये वचन आपके लिए। मेरा पति मुझे ना छोड़ जाए, मेरा बच्चा मुझे ना ये वचन आप लोगों के लिए। परमेश्वर ने मुझे भय की नहीं पर सामर्थ, प्रेम और संयम की आत्मा दी। आप रोज बोलोगे, आप एक दिन देखोगे डर आपके अंदर नहीं। आपको अंधेरे में डर लगता है, एक दिन आएगा आप रात को 4 बजे भी अंधेरे में जाके प्रार्थना करने लगोगे, आपको डर नहीं लगेगा। आप अपनी घोषणाओं के क्या हो, फिर से बोलो ऊंची आवाज में। आगे पढ़ेंगे इसके अगला वचन, जो मुझे सामर्थ्य देता है, फिलिप्पियों 4:13, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। मैं क्या कर सकता हूं? सब कुछ कर सकता हूं। मैं अच्छी जॉब ले सकता हूं, अच्छी पोजीशन पे जा सकता हूं। हाँ या ना? मैं जॉब अच्छी, मैं अच्छा बिजनेस कर सकता हूं, चाहे कुछ भी मेरे पास नहीं, क्योंकि मेरे पास परमेश्वर की सामर्थ है, उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। रोज अपने आप को तैयार करो। फिर से पढ़ेंगे इसे, जो मुझे सामर्थ देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूं। उसमें मैं सब कुछ क्या कर सकता हूं? कर सकता। कितना कुछ? क्या परमेश्वर ने कुछ भी रखा है आपसे? कहता तू सब कुछ कर सकता है, तू सब कुछ कर सकता है। जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ। ये वचन ही काफी है आप लोगों के लिए, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ। और आप देखोगे जैसे ही आप ये वर्ड्स बोलोगे, एक इनर ताकत आपके अंदर अपने आप आ जाएगी जो पहले नहीं थी। आप महसूस कर पाओगे कि ये काम जो मेरे लिए पहाड़ लग रहा था, अब मैं इसे कर सकता हूं। अपने हाथों को उठा, घोषित करो इन वचनों को, जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें सब कुछ मैं कर सकता हूं। घोषित करो, सब बातें मिलकर भलाई को पैदा करते हैं। घोषित करो अपने हाथों को उठा के,
कि जिस आत्मा ने यीशु मसीह को मुर्दों में से जी उठाया, अगर वो मुझ में होगा तो मेरी मुर्दा शरीर को क्यों ना जीवन देगा और चंगा करेगा। घोषित करो अपने बच्चों के ऊपर, यदि उसका आत्मा जिसने यीशु को मरे हुए में से जिलाया तुम में बसा हुआ है, तो जिसने मसीह को मरे हुए में से जिलाया वो तुम्हारी मरणहार देहों को अपनी आत्मा के द्वारा जो तुम में बसा हुआ जिलाएगा। घोषित करो ऊंची आवाज। घोषित करो, घोषित करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं, आप इन पावर को, इन शब्दों की सामर्थ को आप समझोगे। आपको याद रखने, आपको महसूस करने की कुछ भी जरूरत नहीं। आमीन। बोलो पड़ोसी को, महसूस करने की जरूरत नहीं, इसे बोलना, दैट्स इट। महसूस करने की कोशिश नहीं करना। उठाओ अपने हाथों को, अंगीकार करो कि यह वचन रोज सुबह उठने के बाद, रात को सोने से पहले, और जब चलते और फिरते मुझे याद आए, मैं इन्हें अंगीकार करूंगा। मांगो अपने हाथों को उठा के। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में हम मांगते हैं,